बार बार मिटाओ, यानी सब रड़ुआ है जाओ हमारी तरह। जय हो मोदी जी। वाह के दो ठग, दो ठग ठगनी एक है, दो ठग और ठगनी एक है, और इनको मिल गो हेला, और ऐसो ही गुरु और ऐसो ही चेला, दो तो ठग। मैं बड़े हिंदुस्तान वासी हो, देश वासी हो, मैं ठोक के कह रहा हूं कि दो तो ठग, अनी और अंबानी। रोहराट मच रही है अब, या आप कहते इतने दुखी हैं जो गांव उठाए के प्लॉट काट के दे दिए और यहाँ ते भागो मकान तोड़ के फेंक दिए। 35,000 रुपए में ये पंप सेट होगा, इसको उठाई कीमत बताते हैं 1,00,000 रुपए, वो तुम्हारे PWD वाले। तो इसका प्रतिफल मिलना तो चाहिए था मुझे, मैं गांव का हूँ, मुझे मिलना चाहिए था 4 गुना, लेकिन इन्होंने दिया 2। लोगों के पैसे नहीं आए, जमीन के नहीं आए, खेतों के कारण पेड़ों के पैसे नहीं आए, नलकूप के पैसे नहीं आए, मकान के पैसे नहीं आए, और हर बालक को अगर जमीन जमीन जा रही है तो 5.5 लाख रुपए, और अगर गांव पुनर्वास हो रहा है, दूसरी जगह उठ रहा है, तो कानून कह रहा है उसे 660 के करीब। तो तब नौकरी की जो बात कर रहे हो, मैं कब नौकरी कह रहा हूँ, नौकरी तो दे ही रहेंगे सब, प्राइवेट ही तो है नौकरी का, मिल जाएंगे हमें सरकार की नौकरी, मिलेगी हमें बाबूजी की। अब जैसे 18 घंटा काम करवावे गो हम पे, 20 घंटा काम करवावे गो, डंडा लेग ठाड़ो कर देगो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, ₹10,000 देगो। दूध को खोआ के दूध है पजारो, फिर वो हाथ में खोया, हमारो का विकास है गो? अब तक हम जमीन जायदाद वाले जमींदार है, आज वो आके पैसा दे दिए हमें, का विकास है गो भैया? ये भैया के सबे पतो लग गई है के गिर सरकार, देखो इलेक्शन में तेल की देखो, पेट्रोल की महंगाई देखो, डीजल की देखो, और गैस सिलेंडर की देखो, और खाद की देखो, मर मार देखो, फसल है कोई लेना रो, धान में तो बताई गई 13,000 को फोटो खींच लीजो, पर 5-6 महीने चली गई है यहाँ से, हमारे जो मजदूर है उन्हें जाके मैं तो बतवा दे, तो सिलेंडर तो दे दिया। मैंने कह रही भरवा लियो के बाबा 1,000 रुपया ना है, 1,000 रुपया हूँ जब तो भरो जाए, भरका है तेले सोचा ले के बनवाए, कहा है कि बीमारी और कर दी है, कचना बनेगू वैसे गड्ढो पड्डो खोद काज के, और वह चिन गए धर गए, और गंदगी और दब रही है यहाँ, वो का विकास है गो? वो सोचा ले है गई सीवर बन गए, सीवर में जा रहा हो कहीं पानी को निकास ना, हर जगह पानी भर रहे हैं गामन में, बुरो हाल है उन पे, तो झूठ ही झूठ है, विकास है गो? अब उन पे गु तो है ना, हम न्यू दे देंगे, जो दियो तो कुछ है ना भाई, दियो तो कुछ है ना, काई है लूटी है जनता, अब कह रहे हैं कि ना विकास होगा, ओहो जो होगा, झूठ बोल रहे भैया, झूठन गई सरकार, कहने की बात है कि उत्तम प्रदेश बना दे, कहा बना दे, इनके तो गुचड़ू है, गुचड़ू तो कहा बना दे, हम बना दिए शहर, और ले देख ले शहर बने बनाए, शहर दिखा दू तू, पानी भरो दिखा दू, खेत देख ही रहो तू, तगरे गांव में डुला दू, 18 गांव में डुला दू, अगर कहीं तू शहर बता दे, अगर ऐसा ही विकास है रो के एक दिन में गुचड़ू के 18 गांव शहर, फलानो शहर विकास, यूपी उत्तम प्रदेश, यूपी फलानो, गिर के दबैया गई लपड़े, हम देख रहे हैं कैसो विकास है, कैसो शहर है, मोदी मीडिया है, गोदी फोदी ना जाने हम, ये जो हथका गो कह रही है वो झूठन ने बोल रही है, इन झूठियन के संग हुई तो है इस देश की, योगी जी और 300 मिल गो है ठगनी, झूठ बोल रही है, ध्यान दे दया दे सरकारी ये गोला, तीन अनको हेला मिल गो, ऐसो ही गुरु और ऐसो ही चेला, भैया ऐसे ही करेंगे तो सर्वे भी टीवी देखने बंद कर दिए, सर्वे भी उन्हीं को, तुम ना टीवी देखो, मैं देखूं कहा देखूं, सब कुछ को वैसे ही बके सरकार की सौंपो सुना में, हमारी ये कुपोतना बता में, हे देशवासियों बड़े साफ शब्दों में कहते हैं वो बड़े कह रहे हैं कि सरकारी आदमी काम ना करे, जो सरकारी आदमी पाकिस्तान से आए हो, इनमें जो उत्तर प्रदेश है वो जाट लैंड है, बड़ी साफ सीधी सी, और कहकर सब मिलके और कच्छ वो सब मिलके पश्चिम उधर उत्तर प्रदेश अजीत ले जाएगी, जयंत ले जाओ मार के बाजी है, कह रहे हैं 70 साल में राज आए हो, पता हम तो 70 साल में ना इतराए, 70 साल राज करके हम न्यो के जनता है, ये देशवासी हैं, हम कछु ना है 70 साल राज करने के बाद भी, और राज भी हमने क्यों किया 70 साल, क्योंकि महान उसे कहते हैं जो सबको चाहता हो, सबको मानता हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई जाति का को हो, कोई धर्म का हो, वो जो मानता उसे महान कहते हैं, और वो है कांग्रेस, आपको बार बार मिटाओ, यानी सब रड़ुआ है जाओ हमारी तरह, सब भैया ने भगा दो, वो तो जगह यार है ना,
उन्हें गाली दे रहे हैं। और जो वो जिंदा हो तो मुंह तो ऐसा लगे कि दूसरा गौड़ तो पैदा हो तो कोई फिर मार दे तो गोली हम तो। वो कह रहे गौड़ से ठीक था। हाँ ठीक क्या है, बड़ा बढ़िया, पहला आतंकवादी हो गौड़ से, जाने हत्या करी। हमारा कानून नहीं कहता किसी को मारने के लिए, कहता है और जो किसी की हत्या करता है, मारता है किसी को, वो आतंकवादी है, उताताई है। आज बारो सोचे है कि कछ करूं, कछ बालकन को करूं, इनके है तो कछ हतना, ये तो मंदिर और कोई बनाएंगे अब के वहां वहां राज मिल लो इन्हें कभी। जो भी कोई नवाब है कोई नो कह मैं करूंगा उद्घाटन, मैंने बनाया हुआ है। ऐसी क्या कह रहे राम मंदिर की, मैनू पूछू जब 70 साल से तुम यही ना, तो तुमने ना तो तुमने जड़ जमाई, जब तुम 70 साल से राज में ही ना आए तो ना तो तुमने जड़ जमाई ना तुमने कच करो। अब की जड़ जमते जमते हाई को सुप्रीम कोर्ट को फैसला है को, एक ना कह रहे फिर गलत कह रहे, एक दियो गोता न्यू कह रहे क्या, अब तो हम ही रहेंगे, उनने तो न्यू मान रहा कि अब तो हम ही रहेंगे, हम ही 60 क्या 300 पार बता रहे 400% मानो, वो तो न्यू कह रहे हैं कि हम ही रहेंगे। मैं जो 70 साल में राज आए हो, तो स्टीडिया कंपनी को कै साल पहले ज्योतिष कह रही है 2050 तक मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। ज्योतिष ना कह रहे, बाबा जी कह रहे हैं, ज्योतिष में जाने, ज्योतिष से जाने पंडित, ज्योतिष से जानू मैं, ज्योतिष से गणित है और गणित हासी खेलना इन बाबा जी इन पर लगे। देशवासियों, हे देशवासियों, जो भैया ने पूछी है कि वहाँ सभा भाई संतन की, संतन की सभा में थे, संत कह रहे हैं कि इन्हें काट दो, धर्म संसद, धर्म संसद, ओ हो अब तो भैया संसद गांव गांव लग रही है, अब तो हम यूं कहे तू संसद कहया हुआ है, मेरी संसद है ये संसद ना सामते भे, उनने गाली दे रहे, न्यू कह रहे मार दो लट उठा लो। मैं पूछो चाहू हे देशवासियों, कितना बड़ा अपमान है मेरे उन महान पुरुषों का, उन संतों का, उनके उस आभूषण का जो उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं, इन्होंने काल नेमों ने, ये काल नेम है जिन्होंने नकली संत बन के, संत और हत्या की बात करेगा, संत और मरने मारने की बात करेगा वो संत नहीं होता, और जो संत छोटे बड़े की बात करेगा वो संत नहीं होता। संत के लिए तो सब समान होते हैं, पूरी पृथ्वी समान होती है। यार दरोगा डर का थाने थे, ये बाबा जी बैठो मुख्यमंत्री, एक बाबा जी बैठो कहा करे प्रधानमंत्री, डर का है को जो मन में आवे को सरकार ही उनकी है। लेकिन कोई और कह देता तो सारे पे लग जाते हो, कहा के हो देशद्रोह फलानो, कह जी न्यू गाली दे दी महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता को गाली देना राष्ट्रद्रोह तो वो है, लेकिन भैया को उनके ही वो ये कह रहे हिंदू खतरे में है अभी, कहां है खतरे में, कब हो खतरे में हिंदू, कब हो खतरे में, जब मुसलमान उनको राज हो यहाँ औरंगजेब उनको सबको, जब ना आए यहाँ हिंदू, जब ना आए हमने जब जने उतार दिए, हम पंडित ना आए, आज भी पंडित हैं, पूरा काम ब्राह्मणों का है मेरा, कहा हमने उतार दिए, हम तो वो हैं ब्राह्मण, तो वो है सातों जातन को तो मैं पूजू, सातों जात मेरे पास पूजे ब्राह्मण के, और इनमें हम बुद्धिजीवी है के, और हम मानते हैं सबको अपना, छोटा है चाहे बड़ा है वो भी तो हमारा है, जो छोटा है वो भी तो हमारा है, बड़ा है वो भी हमारा है, हिंदू है आज मैं कह रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरे क्षेत्र में, क्या मुसलमान नहीं है, मेरे पड़ोसी नगला कितने जो अभी उठे हैं, व्यवस्थापन हुआ अब भी मेरे साथ ही बसे हुए हैं, वो मुसलमान नहीं है, आज तक बता दें इतनी तो मोह 500-600 साल तक की तो मोह पता है, कि आज तक कभी कोई झगड़ा हुआ हो आपको, कोई खतरा नहीं उनसे, कोई हमारा झगड़ा ही ना हो कभी, कभी कोई झगड़ा ना हो, खतरा फिर तुम बाबा जी काय गए गए अपने घर रहते ब्याह करते बालक होते, जो तुम्हें पक्का खबर है कि बालक करके फीस कहाँ से आवेगी, लत्ता कहाँ से आएंगे, भूखे तो हम मर रहे हैं, बालकन ने तो कर दे पैदा, खमाएंगे का तो है, तू तो बाबा जी है, तू कर तो ब्याह, योगी मोदी जिसका इनके 6-6 7-7 भैया है, 10-10 है, जब एक बाबा जी है जाने के सब ऐसी ही, एक तरफ योगी जी कानून बना रहे हैं, वही धर्म संसद में ये कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये दोहरी चाल क्या है, अब पता लग रही, वो तो उनके आदमी है, ये कह रहा बाबा जी के यहाँ पे कानून बनाओ, योगी जी तो कह रहे हैं कि कानून बनाओ, और बाबा जी कह रहे हैं कि बालक पैदा करो, भैया इनको तो राम ही बेल है, बात तो कोई रहो है, बुलवा तो कोई रहो है, गाड़ी तो कोई दबा रहो है, कि मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो कहते तुम्हारी खूब इज्जत ना करूँ जी, मैं तो अब छोरा ने कच कह दी होगी, कच कहो जो मन में आवे वाय कहो, लेकिन हम जीतने चाहिए, जाए तुम पूजो वाय कोई गाड़ी दे और वो तुम वहां बैठा के रखो,
चोखो भैया, जय हो महाराज, जय हो मोदी जी, वाह वाह।